भाजपा राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा है। सरोज ने गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के बयान पर आपत्ति जताई है। ताम्रध्वज साहू के इस्तीफे की मांग भी की गई है। सरोज ने ताम्रध्वज के बयान को छत्तीसगढ़ की नारी का अपमान बताया है। सरोज ने इस मामले में कार्रवाई न करने पर सोनिया गांधी की मौन सहमति की बात लिखी है। दरअसल कुछ दिन पहले राज्य की खस्ताहाल सड़कों की तरफ सरकार का ध्यान दिलाने के लिए सरोज पांडे ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की थी। उस पर बाद में छत्तीसगढ़ के गृह और पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बयान दिया था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा था कि सरोज पांडे खराब सड़क किनारे पर एक गड्ढे में अपना चार्मिंग फेस लेकर फोटो खिंचवा रही है। जिसके बाद आज सरोज पांडे ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर मंत्री के बयान पर आपत्ति जताते हुए शिकायत की और ताम्रध्वज के इस्तीफे की भी मांग की। बनाने वाले ही बताएं कि सर किस तरफ 62,000 किलोमीटर बना है। हमारी टोटल सड़क है सर NHADB से जो हम लोग कर रहे हैं 25,000 से बढ़कर 34,000 हो गया है। 34,000 हमारी पूरी सड़कें हैं और सभी सड़कों में ही काम चल रहा है। डॉक्टर रमन सिंह सरोज पांडे ने विगत दिनों सरोज पांडे के गड्ढे में रोड में अपना चार्मिंग फेस डलवाई थी। ये रोड खराब है।